आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 14 सितंबर की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, उसके पीछे के रीजन समझेंगे, बैंक निफ्टी ने क्या किया हुआ है वो देखना होगा, उसके भी रीजन जानेंगे, FIIDI ने क्या बाय किया हुआ है, क्या सेल किया हुआ है वो समझेंगे, कॉल पुट एनालिसिस करेंगे, सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, टॉपर्स और लूजर के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, उसके भी रीजन जानेंगे, इन्फोसिस और विप्रो के ADR ने क्या देखा हुआ है वो करना होगा हमें आज, उसके बाद डाउ फ्यूचर को समझेंगे, ऑयल कट मूवमेंट ट्रैक करेंगे, गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है वो समझना होगा, और कुछ आज की इवेंट्स है वो समझने के बाद फाइनली हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस और इस पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हो ट्रेडिंग आर्ट एंड साइंस के चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो, मोटिवेशन मिलेगा। सबसे पहली बात, निफ्टी ने इनिशियली थोड़ी देर वोलेटाइल मूवमेंट दिए, 10 बजे तक परेशान किया, लेकिन उसके बाद दिन धनाधन ऊपर और 2 बजे के बाद पूरा साइडवाइज। अब बोलो ना 1 बजे के बाद ही, तो जो भी सोच करके आए थे कि आज हीरो जीरो करेंगे वो सब जीरो ही हो गए, हीरो कोई शायद नहीं हुआ। एनीवे, इसके पीछे का रीजन देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कल के वीडियो में ही, कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन का नंबर आया हुआ है वो बहुत अच्छा आया हुआ है। इवन RBI ने जो फूड इन्फ्लेशन दिया उसमें सिर्फ एक टोमेटो था वो बहुत बड़ा जंप दिखा रहा था 180% का, लेकिन वो भी पिछले महीने के कंपैरिजन में तो 21% डाउन हुआ है। मतलब टोमेटो के प्राइस भी अभी कंट्रोल में आ चुके हैं और हमारा जो इन्फ्लेशन है वो फूड इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ है। और हमारे पास डेसे करके एक बैंक है, उन्होंने बताया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा नेक्स्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन होगा वो 5% से भी नीचे आ जाएगा। मतलब RBI को फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं है तो। बैंक निफ्टी झुकेगा नहीं साला, एक शार्प सेलिंग तो दिया इनिशियली खोलने के बाद, 45,500 से धनाधन 200 पॉइंट गिरा दिए, सारे रिटेलर्स को यहां पे निकाला होगा ये शार्प सेलिंग में, उसके बाद बाइंग पे बाइंग। और जब रिटेलर ने सोचा कि नहीं 2 बजे के बाद एक मूव आएगा, तो 2-3 दिन से क्या पूरा 1-1.5 बजे के बाद साइडवाइज ही चला जाता है। अभी देखो ये इतना बहुत जबरदस्त बाइंग आने के रीजन समझते हैं, हमारा मार्केट चल रहा था तब RBI ने एक न्यूज पब्लिश की, उन्होंने क्या बताया हमारे पास कि अब PSU बैंक जो है हमारे पास वो गवर्नमेंट को और ज्यादा पैसा दे पाएंगे। पहले क्या था, PSU बैंक सिर्फ और सिर्फ 19.5% जितना ही पैसा दे सकते थे, उनके पास जो भी अवेलेबल फंडिंग है उसका 20% जितना आप समझो ना कि पकड़ कर रखो कि उतना कैप था उनके ऊपर, उससे ज्यादा वो गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे सकते थे। मतलब बॉन्ड वगैरह में बाइंग नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट को डायरेक्टली कोई मोदी को लोन देने वाला नहीं है, हमारे पास जो उनके बॉन्ड होते हैं इंडिया के बॉन्ड होते हैं भारत बॉन्ड वगैरह उसमें इन्वेस्टिंग किया जाता है, वो कितना था 20% जितना। लेकिन अब तो वो कैप हटा दिया है, आप जितना मर्जी चाहे उतना दे सकते हो। इसलिए देखो ये PSU बैंक 4% ऊपर भागे हुए हैं, ये आपको जो इंडेक्स दिख रहा है नीचे वो 4938 वो PSU बैंक का इंडेक्स है, वो 4% ऊपर भागा हुआ है। स्टॉक देखो तो अच्छा लगेगा, पंजाब नेशनल बैंक 8%, IOB 8%, सेंट्रल बैंक 7%, बैंक ऑफ इंडिया 6%, कैनरा बैंक 5%, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक भी 4% भागे हुए हैं। तो ये PSU बैंक में आग लग पड़ी है, आग लगा दी है। यस, ये मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा है। आप चाहे जितने रीजंस मेरे पास लेकर के आओ, लेकिन जब तक ये FII का केस में सेलिंग नहीं रुक रहा है मैं बुलिश नहीं हो सकता। यहां से और 500 पॉइंट जाना है चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइम पे स्टॉक परचेस करना मतलब बहुत बड़ी गलती है। देखो इंट्राडे में आप बाय कर लो, थोड़ा ऊपर जाए सेल मार दो, ठीक है, लेकिन अभी पोर्टफोलियो बनाना है तो नहीं हो सकता। ट्रेडर्स के लिए तो कुछ भी हो सकता है, वो 1-2 दिन के लिए भी खेल सकेंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये जरा भी अच्छी बात नहीं है, ये कभी भी गिरा देंगे। और ये DIIs जितना चाहे मर्जी सपोर्ट कर ले, लेकिन ये अकेले दम पे मार्केट को ऊपर नहीं रख सकते। एनीवे, देखते हैं हमारे पास किसका कॉल पुट का एनालिसिस क्या करके गया है। रिटेलर्स फिर से कॉल और पुट दोनों सेल मार के चल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ये दोनों नंबर नजदीक नजदीक है, तो कोई एक साइड में ड्रास्टिक मूवमेंट नहीं हो सकती। FII देखो, FII हमारे पास दोनों सेम टू सेम मार के चल रहे हैं, कॉल भी उतना पुट भी उतना, लेकिन अभी सब क्या सब डेटा है ना बना हुआ सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब 2-3 दिन तो वो परेशान करके रखेंगे, मार्केट को जकड़ के रखेंगे नैरो रेंज में,
और ये अब जो देख रहे हो 2 बजे के बाद मूवमेंट सब साइलेंट हो जाती है, वो इन्हीं के चलते इनकी दोनों साइड पोजीशन पड़ी हुई, तो वो क्या ही गोने देंगे। सेक्टोरियल आउटकम देखो, 20 सेक्टर अप थे, 30 डाउन थे, आईटी फार्मा अप था, बैंक मेटल मीडिया सब कुछ डाउन था। यस, कोल इंडिया में फिर से बाइंग आई हुई है, लेकिन अब ये तो पूरा छोड़ो, हर रोज अप डाउन जा रहा है, हम नहीं ट्रीट करेंगे। इंश्योरेंस में सेलिंग है हमारे पास। उसके बाद वर्ल्ड मार्केट देखो, पूरा नेगेटिव, यूरोप पूरा नेगेटिव था, अमेरिकन मार्केट में इन्फ्लेशन का डेटा आया था उसके चलते थोड़ी देर के ऊपर, थोड़ी देर तो ऊपर गया था लेकिन फिर से मार दिया। ब्राजील में बाइंग थोड़ी सी कम हो रही है, कनाडा वगैरह हमारे पास अप ही दिख रहे हैं। एशियन मार्केट देखो, ऑस्ट्रेलिया खुला हुआ है ऊपर, जापान भी खुला हुआ है ऊपर, जापान में जबरदस्त बाइंग है, ऑस्ट्रेलिया फिर भी फ्लैट है। यस, यूएस का जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो 3.7% आया, देखो फोरकास्टिंग से थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात कहां पे थी, जो उनका कोर कंज्यूमर इन्फ्लेशन होता है, कोर कंज्यूमर कब बनेगा, टोटल इन्फ्लेशन में से अगर आप फूड और ऑयल को निकाल दोगे, ये टोटल है उसमें से फूड और ऑयल अगर निकल जाएगा तो हमारे पास कोर कंज्यूमर इन्फ्लेशन बनता है, वो ठीक ठाक आया, वो एक्चुअल जितना अज्यूम कर रहे थे उतना ही आया, और ये पिछले 6-7 महीनों में सबसे कम वैल्यू है, तो अच्छा माना जाएगा। इंडियन एडीआरएस देखो, आईटी और बैंक दोनों के अंदर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, विप्रो में अकेले में बाइंग है, फ्यूचर पता नहीं क्या कर रहे हैं, कब से फ्लैट ही चल रहे हैं। ऑयल की मूवमेंट ये भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल हमारे पास 92 है, WTI है वो 88 है। गिफ्ट निफ्टी अगेन हमारे पास 10 पॉइंट जितना गैप अप दिखा रहा है। हाँ, अब कुछ न्यूज की बात कर लेते हैं। देखो कल हमारा ऑटो सेक्टर डाउन था, उसके पीछे के रीजन क्या थे कि बताया गया था कि कार है उसमें 6 एयरबैग वो मैंडेटरी हो जाएगी, कंपलसरी 6 एयरबैग देने पड़ेगी, लेकिन फिर गडकरी भाई साहब आते हैं और बताते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमने कोई प्लान नहीं किया है कि 6 एयरबैग देने होंगे, तो आज हो सकता है आपको ऑटो स्टॉक में बाइंग देखने को मिले। दूसरा एक पैनिक वाली सिचुएशन आ रही है हमारे पास केरला से, केरला में निपा वायरस के कुछ केसेस निकल करके आ रहे हैं और 2 डेथ भी हो चुकी है, तो ये नजर बनाए रखना है इसके ऊपर। रिलायंस की एक न्यूज है हमारे पास, रिलायंस रिटेलर से वो 1.5 बिलियन का फंडिंग उठाने वाले हैं गल्फ सिंगापुर वहां से, तो ये रिटेलर के लिए अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन उसका जो GDR है वो भी 0.5% डाउन दिखा रहा है, तो यहाँ पे कुछ हाथ लगाने की ट्राई मत करना। आज के इवेंट देख लेते हैं, 12 बजे के आसपास आपको होलसेल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, और ये होलसेल इन्फ्लेशन डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट मंथ का इन्फ्लेशन डेटा क्या आएगा, और उस इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर से बैंक में मूवमेंट हो सकती है, मतलब 12 बजे के बाद बैंक अगर गिरना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बाई नहीं करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर मार्केट आवर्स हमारे पास नाइट टाइम पे यूरोप का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने आएगा, यूएस का रिटेल सेल्स डेटा आएगा और वीकली जॉबलेस डेटा आएगा। टेक्निकल समझो, ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अभी भी ये पोज कैंडल है, तो हो सकता है ऊपर भी निकले, अगर 120 के ऊपर जा रहे हैं हम बाइंग करेंगे, 20,000 के नीचे गलती से आ गया तो धनाधन सेल मारना है। सेम वे में यहाँ पे 46,000 के ऊपर निकल रहा है तो फिर सेल मत मारना, बाय करना ऊपर जाएगा तो, और ये आधे कैंडल के नीचे आ रहा है तो सेल मारेंगे। यस, कॉल पुट दोनों धन धनाधन सेल मर रहे हैं। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, यहां तक देखा उसके लिए थैंक्स अ लॉट, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक्स अ लॉट।